You're a superhero. हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस एडिट। तो हे गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस तो आज का वीडियो गाइस लेके आ गए राजस्थानी स्टेटस एडिटिंग वीडियो, जो होली वाला सॉन्ग होने वाला है, जो आपने स्टार्टिंग के अंदर प्रीव्यू के अंदर भी देख लिया होगा गाइस, और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो सेम टू सेम इसी तरह का वीडियो एडिट करने वाले। तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, जितनी भी हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली है सभी को यार हैप्पी होली गाइस। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हुए गाइस, और इस वीडियो के अंदर हमने जो भी यूज किया बिटमार्क प्रोजेक्ट, सेक्यूब प्रोजेक्ट और फोन वगैरह, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हमने फोटो यूज करी, वो सभी फोटो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना ठीक है ना गाइस। और वहाँ पे आपको जितने फोटो गाइस यूज करिए वो सब मिल जाएगी, वहाँ पे डाउनलोड कर लेना गाइस ठीक है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस नहीं किया गाइस तो वो भी कर लेना। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर अलर्ट मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो के अंदर चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा तो इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर लेना एम एस एडिट जीरो ठीक है, सर्च कर लेना मिल जाएगा, और बायो के अंदर आपको अलर्ट मोशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। और फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना गाइस ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद ये दो प्रोजेक्ट रहेंगे गाइस, इन दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लेना। पहला रहेगा एम एस एडिट बिटमार्क प्रोजेक्ट और इधर गाने का नाम रहेगा, दूसरा रहेगा एम एस एडिट इफेक्ट प्रोजेक्ट रहेगा और इधर गाने का नाम रहेगा ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख रहा होगा, आप भी जो देख सकते हो, वो इसके अंदर जो लिरिक्स है वो आपको नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पे। वीडियो बिल्कुल भी इसकी मत करना गाइस, इसमें कुछ चीज़ें मैन्युअली ऐड भी करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिरिक्स है वो दिख नहीं रहे होंगे, और यहाँ पे आगे जाओगे, आगे मैंने पहले ही फोटो ऐड कर रखी, केवल आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इस ठीक है। आपको मेन मेन काम बताऊँगा, बाकी आप खुद कर लोगे ठीक है, मैं बता दूंगा वैसे वैसे करना होगा आपको ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर आना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना लोगो ऐड करना होगा। पहले तो फुल स्क्रीन लोगो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग पे आ जाना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक कर लेना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका लोगो है ठीक है। तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। पहले तो देखिए मैंने फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से देख लेता हूँ मेरे को कौन सा ये वाला लोगो ऐड करना, फुल स्क्रीन लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, ये लोगो यहाँ पे एकदम परफेक्टली ऐड हो जाएगा। फुल स्क्रीन नहीं है तो थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, अगले बिटमार्क पे आ जाएगा, और पीछे का स्टॉप आर्ट काटना तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, आपको पीछे का स्टॉप आर्ट काट देना। केवल ये 3 सेकंड तक के लिए ये लोगो रहेगा आपका ठीक है, ओनली फॉर ठीक है। उसके बाद में आपको आगे आना है, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना। पहले तो गाइस यहाँ पे आपको सॉन्ग मिल रहा होगा, अगर ये सॉन्ग म्यूट है तो इस सॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड करके ऐड कर लेना गाइस ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिरिक्स है जो अभी दिख नहीं रहे होंगे गाइस आपको ठीक है, तो इनके पीछे बैकग्राउंड के अंदर आपको एक बैकग्राउंड फोटो ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए इस बिटमार्क पे आ जाना 0.3 सेकंड पे, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक कर लेना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका फोटो है, और इस फोटो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो ये वाली फोटो रहेगी। फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो एकदम परफेक्टली ऐड हो जाएगा गाइस। थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है तो गाइस इसको थोड़ा सा आप जूम वगैरह कर सकते हो गाइस ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं गाइस ठीक है, हल्का सा जूम कर लेना गाइस। उसके बाद में ये आपकी लिरिक्स कहाँ तक आ रही है नीचे जाके देख लेते हैं, ये लिरिक्स आपके कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक लिरिक्स आ रहे गाइस मेरे ठीक है, इस बीट मार तक 3.52 सेकंड तक ठीक है। तो इसी फोटो पे आपको क्लिक करना जो अभी आपने बैकग्राउंड में ली है, और उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ तक आ जाएगी ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। उसके बाद में जो ये अभी आपने बैकग्राउंड वाली फोटो ली इसको नीचे लाना है ठीक है, तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना है, और जो आपके लिरिक्स हैं उनके नीचे आपको लाके इसको सेट करना होगा, इस प्रकार से होल्ड करके नीचे आपको सबसे नीचे ले जाना है, जहाँ सॉन्ग है सॉन्ग के जस्ट ऊपर लाके आपको इसको सेट कर देना। अब जो आपके लिरिक्स वगैरह है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे दिखने लग जाएंगे ठीक है। और ये लिरिक्स आपको यार अभी इंग्लिश के अंदर दिख रहे होंगे आपको ठीक है, अब इनका आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना होगा, तो इसी लिरिक्स पे क्लिक करेंगे, डबल एटेक्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, और ये वाला फॉन्ट रख लेना है ठीक है। इस फॉन्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा।
अभी आप देखोगे तो आपको अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे इंग्लिश के अंदर, तो आपको ये वाला हिंदी वाला फ़ॉन्ट रख लेना। इस फ़ॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड करके ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद में जो आपके जितने भी फ़ॉन्ट है वो हिंदी के अंदर हो जाएंगे, जितने भी लिरिक्स हैं इनके सभी के आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लेना पहले तो, ठीक। अब इन फ़ॉन्ट के अभी ये लिरिक्स है, इन लिरिक्स के अंदर आपको इफेक्ट ऐड करना होगा। इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ से आपको बेग जाना और इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद में सबसे नीचे वाला लेयर है ये वाला, ठीक है। इस लेयर पे आपको क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको बेग जाना है, बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में यहाँ पे लिरिक्स कहाँ पे आ रहे हैं आपके, लिरिक्स पे ये रहा फर्स्ट लिरिक्स, लिरिक्स पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो अभी जो देख सकते हो गाइस आपकी जो लिरिक्स है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कट रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जो लिरिक्स वगैरह जो नेम वगैरह वो कट रहे हैं। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी गाइस। सेटिंग करने के लिए इसी लिरिक्स पे फिर से क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद में ये ऊपर ऊपर वाला जो इफेक्ट है इस पर आप क्लिक करना, उसके बाद इस कॉल करके इस प्रकार से नीचे आना। नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखिए गाइस ये पिच आउट है, ठीक है, ये ऑन रहेगा तो इसको ऑफ कर देना। तो इसके अंदर देख सकते हो गाइस इफेक्ट आ गया। अब आपको चला के दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर ये वाला इफेक्ट एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो गए। अब इस इफेक्ट को आपको फिर से कॉपी करना और जितने भी लिरिक्स हैं उनके अंदर ऐड करना हो, तो लिरिक इसी लिरिक्स पे आपको क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी हो गए, उसके बाद में आपके जितने भी लिरिक्स इस प्रकार से आपको लिरिक्स पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना। तो जितने भी लिरिक्स हैं इनके सभी के अंदर ये इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना गाइस, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको, ठीक है, तो मैं जल्दी से ये इफेक्ट यार पेस्ट कर देता हूँ जितने भी लिरिक्स है गाइस, ठीक है। सो ओके गाइस, देखिए मैंने जो लिरिक का काम कम्प्लीटली हो चुका है गाइस। उसके बाद में फर्स्ट फोटो ये वाली आ रही है गाइस। अब सबसे फर्स्ट वाली फोटो गाइस ये वाली आ रही है। अब इस फोटो के अंदर मेरे को इफेक्ट ऐड करना होगा, ये वाली फोटो है, ठीक। तो यहाँ से आपको बेग जाना है, इफेक्ट और प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है गाइस ये वाली, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेग जाना है और बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। और ये गाइस मैं सभी फोटो यहाँ पे ऐड करके रख रखी है, ठीक है ना गाइस। तो आपको ये सभी फोटो ऐड कर लेना, आपको खाली बिटमार्क मिलेगा, ठीक है। तो आपको यह फोटो ऐड कर लेना, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इस वजह से मैंने सभी फोटो पहले ही ऐड करके रख रखी। अब फर्स्ट फोटो आ रही है, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा। और ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना, तो टाइमिंग देख लो, इस बीट मार्क से लेके 3:52 सेकंड से लेके और इस बीट मार्क तक आपको ये इफेक्ट ऐड करना होगा, जो मैं बता देता हूँ गाइस आपको। तो इस बीट मार्क तक, ठीक है ना गाइस। तो देख सकते हो गाइस 16:34 सेकंड इस बीट मार्क तक आपको ये वाला इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ तक का काम हो जाएगा, उसके बाद आगे जाना। आगे जाने के बाद ये वाली फोटो मिल रही होगी अब आपको, जो टाइमिंग देख लो 16:34 सेकंड के बाद में, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर से बेग जाना, उसके बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको सेकंड वाली फोटो है गाइस, ये वाली सेकंड वाली फोटो, ठीक है। सेकंड वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको बेग जाना और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। और जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पर चले जाना गाइस, 16:34 सेकंड के बाद में आ जाना आपको, ये रही गाइस, यहाँ पर आ जाना 16:34 सेकंड पर। उसके बाद में ये वाली फोटो आ रही है, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे जाना अगले बीट मार्क पे और अगले बीट मार्क पे 17:40 सेकंड पे ये वाली फोटो मिल रही है, इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ से फिर से बेग जाना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और यहाँ पे 3 नंबर वाली फोटो रहेगी गाइस ये वाली, ठीक है। फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको बेग जाना और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना गाइस। और जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस। तो यहाँ पे आ जाना गाइस, देखो 17:40 सेकंड पे और ये वाली फोटो मिल रही होगी आपको, ठीक है ना गाइस, ये वाली, ठीक है। तो इसी फोटो पे आपको क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। और इसके अंदर भी थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी गाइस, तो इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे जाना है और ये वाला इफेक्ट आपका हाइड रहेगा, तो इसको ऑन कर देना केवल, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा, काम करने लग जाएगा ये इफेक्ट एकदम अच्छे से, कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आगे जाना गाइस, अगले बीट मार्क पे 19:52 सेकंड पे ये वाली फोटो मिल रही है। तो अभी इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से आपको फिर से बेग जाना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद लास्ट वाली फोटो रहेगी ये वाली, ठीक है। फोटो पे आपको क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको बेग जाना और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। और जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पर चले जाना गाइस, देखिए गाइस इस बीट मार्क पर आ जाना आपको
19.52 सेकंड पे फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। ठीक है, इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस। और ये इफेक्ट आप तो कितनी फोटो के अंदर लगाना वो टाइमिंग देख लो गाइस। तो इस बिट मार्क से देखिए 19.52 सेकंड से लेके और लास्ट आपकी फोटो यहाँ तक, ठीक है, लास्ट फोटो इस फोटो तक आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना। फाइनल गाइस आपका वीडियो कम्प्लीटली बन जाएगा। सो गाइस इफेक्ट का काम कम्प्लीटली हो चुका है गाइस पूरा। अब इसके अंदर आपको अपना लोगो ऐड करना और बॉर्डर PNG ऐड करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको लोगो ऐड करने के लिए इस बिटमार्क पे आ जाना गाइस। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3.52 सेकंड पे, ठीक है, इस बिटमार्क पे आ जाना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर के अंदर आपका लोगो है। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से पहले। तो गाइस मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद देख लेता हूँ लोगो कहाँ पे है गाइस। तो ये रहा गाइस मेरा लोगो, लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करना, ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस लोगो की थोड़ी साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, तो मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे, साइज पे क्लिक करके इसकी थोड़ी सी आप साइज बढ़ा सकते हो, 800 के लगभग रख देना गाइस इसकी साइज। ठीक है, तो 800 रख ली गाइस और इसको यहाँ पे लाके इसको अच्छे से सेट कर लेना गाइस यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये लेयर यहाँ तक है, ठीक है गाइस, लोगो वाला लेयर यहाँ तक है। अभी इसको एंड तक करना होगा, एंड के अंदर चले जाना और इसी लेयर पे क्लिक करना, लोगो वाले पे, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड तक आ जाएगा फाइनल गाइस। अब इसके अंदर अपना बॉर्डर PNG ऐड करना होगा। बॉर्डर PNG ऐड करने के लिए इस बिट मार्क पे आ जाना, 0.3 सेकंड पे आ जाना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर के अंदर आपका बॉर्डर PNG गाइस। ठीक है, तो यहाँ से मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो ये रहा गाइस मेरा फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कहाँ पे मेरा बॉर्डर PNG है, ये रहा गाइस बॉर्डर PNG। तो ये वाला मेरे को बॉर्डर PNG ऐड करना, तो बॉर्डर PNG पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा गाइस। और ये बॉर्डर PNG गाइस यहाँ तक, इसको एंड तक करना होगा, एंड के अंदर जाना, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड तक आ जाएगा फाइनल गाइस। वीडियो पूरा कंप्लीटली बन चुका है। अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, उसके बाद वीडियो पे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से आपको इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। उसके बाद एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन आ जाएगा, जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा वो रख लेना। तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट करता है तो मैं 1080 रख लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ से इसको फुल कर देना क्वालिटी को और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी, ये पूरी 100% एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद में सेव का बटन आएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।